जोधपुर से आगुलाई सरहद के पास देर रात दो स्कॉर्पियो की भिड़ंत होने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का जोधपुर एसडीएम अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। और ये हादसा इतना जबरदस्त था कि एक मृतक का सिर एसयू में फंसने के चलते धड़ को शवों के साथ अस्पताल लेकर आए। वहीं हादसे के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और साथ ही माथुर अस्पताल पहुंचे। ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों की जानकारी लेने के साथ ही दोषी डॉक्टरों के खिलाफ उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिलवाया गया। कलेक्टर ने खुद अपने ही मोबाइल से चिकित्सा अधिकारियों से सीधा संपर्क साधा और परिजनों ने स्पष्ट आरोप लगाया कि पहले मरने वालों की संख्या केवल 4 थी, उसके बाद अस्पताल लेकर आए और उसके बाद चिकित्सक उन पर ध्यान तक नहीं दे रहे थे और इसी के चलते कई जिंदगी बचाई जा सकती थी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते इतने लोगों की मौत हो गई। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री ने सहायता कोष से 1-1 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए जाने की जानकारी भी कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने दी। दो स्कॉर्पियो गाड़ियों की जबरदस्त भिड़ंत में 12 लोगों की मौत हो गई और वहीं 4 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। और इस पूरे हादसे पर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने गहरा शोक व्यक्त किया और साथ ही मुख्यमंत्री सहायता कोष से सभी परिजनों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा भी जोधपुर कलेक्टर के माध्यम से की गई। काफी गंभीर एक्सीडेंट था और इसमें करीब हमारे पास अभी 6 लोग हैं एक्टिव, उसमें से जो 4 लोग हैं महिलाएं हैं, इसमें मुख्यतः महिलाएं काफ़ी थी, काफ़ी संख्या में थी। उनके वो ठीक हैं, उनके इंजरीज हैं लेकिन उनके वाइटल्स वगैरह स्टेबल हैं। और बाकी जो दो, एक तो बच्चा है पीयूष और एक माता जी शारदा जी, वो हमारे यहाँ ICU में एडमिट है, उनकी स्थिति थोड़ी नाजुक है। घायलों का हर संभव जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, उनकी एक्सरे CT स्कैन ब्लड एवरीथिंग हैज बीन डन और पूरा मतलब सुचारू चल रहा है, जो हमारी तरफ से पूरी कोशिश। इसी खबर पर अपडेट करने के लिए वन संवाददाता दयाल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दयाल सिंह, जोधपुर में इतना दर्दनाक हादसा कि इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, लेकिन साथ ही परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया, क्या कुछ था पूरा मामला? देखिए, बताना चाहूंगा निश्चित ही कल रात में ये दुर्घटना हुई थी। दो स्कॉर्पियो गाड़ी आपस में टकरा गई थी, उसमें करीब 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। 2 का इलाज के दौरान मथुरादास माथुर में डेथ हो गई थी, जिसको लेकर साथ ही जब घायलों को अस्पताल में लाया गया तो जैसी अस्पताल की तैयारी थी उसके अनुसार इलाज चल रहा था, लेकिन परिजनों ने उस पर लापरवाही का आरोप लगाया। लेकिन अभी जो है सुचारू रूप से एकदम सभी घायलों का इलाज चल रहा है और अस्पताल अधीक्षक ने भी अस्पताल का दौरा किया और जो सिटी के SDM है उन्होंने भी सीमा कवि उन्होंने भी अस्पताल का दौरा किया और अभी घायलों की स्थिति ठीक है। जी दयाल सिंह, ऐसे पूरे घटनाक्रम पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरा शोक व्यक्त किया है और क्या कुछ है उन्होंने सहायता कोष के जरिए मृतक के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की राशि भी दी है। निश्चित बताना चाहूंगा कि जैसे ही मुख्यमंत्री के पास ये सूचना पहुंची कि इतनी बड़ी दुर्घटना जोधपुर में हुई है उनके गृह जिले में, तो मुख्यमंत्री ने तुरंत राहत देते हुए घायलों के लिए सहायता के लिए अधिकारियों को मौके पर भेजा और जो मृतक है उनको 1-1 लाख रुपए की सहायता देने की सरकार की तरफ से घोषणा हुई है। जी दयाल सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।